हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। बसंत डे और रात को मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी, और जब मैंने वीडियो बनाना बंद की, मतलब मुझे ऐसा लगा कि इतनी ज़्यादा पतंगबाजी नहीं हो रही, उसके बाद लोगों ने शायद प्लान किया हुआ था रात को 12 बजे के बाद जनाब इतनी पतंगबाजी हुई कि आपकी सोच है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी व्लॉग डाल दिया था, फिर मैंने कोई मेरा इरादा नहीं बना उस वक्त कि मैं दोबारा से उनसे ना उसको शूट करूँ, तो फिर मैंने सोचा सुबह के वक्त ही करूँगा। तो अभी जनाब अभी आपने कुछ टाइम लैप्सेस देखे हैं और हालत आपने देख ली है, खामोशी से लोग जो है वो पतंगबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा शोर शराबा नहीं कर रहे। हाँ कुछ एक आध जगह पे फायरिंग हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन यह है कि बसंत जो है सियालकोट में वो जनाब हो रही है। कोई चीज दिखानी थी, ये डोर देखें जरा, ये अगर आपको सही तरह से नजर आ रहा है, ये इसका फैलाव देखें जरा, ये नहीं टूट सकती। इस डोर पे अगर बसंत पे पाबंदी लगानी है तो खासतौर पे ये जो फैक्ट्रीज ये डोर बनाती हैं उस पे पाबंदी होनी चाहिए। देखें कितनी मोटी डोर है, इसका ये फैलाव देखें, ये अभी भी हमारे छत से गुजरी है और मैंने पकड़ी है थोड़ा सा इसका, मैं पीस आपको दिखा रहा हूँ। तो ये डोर जो है ये डोर गर्दने काटती है, यानी कि ये इधर अगर फिरती है तो गर्दन आपकी उतर जाएगी, ये उतार देगी। ये छुरी है, ये छुरी से भी तेज है ये डोर। ले जी माहौल है वो वक्त गुजरने के साथ साथ तेज़ होता जा रहा है, अभी तकरीबन 4:30 का टाइम हो रहा है और अब हर छत पर जनाब आप देख सकते हैं हर छत पर लोग आ चुके हैं, और ये पतंगे हैं जो गुड़ियाँ हैं वो आसमान में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मैं बाहर गया था और सड़क पे जो हालात थे वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो गुजर रही थी, तो वो गाड़ियों के बीच में से वो जनाब ऐलानात कर रहे थे कि अगर किसी को पकड़ा गया तो उसके खिलाफ केस किया जाएगा फौरी तौर पे, और उसको उस फौरी तौर पे जेल भेज दिया जाएगा। तो अभी ये जनाब हमारे छत पर तो अल्लाह के फजल से कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा, लेकिन अब इर्द गिर्द जहाँ भी देखेंगे जनाब लोग बाज नहीं आ रहे, टोलियाँ की टोलियाँ आई हुई हैं यहाँ पर और बसंत को जो ऑफिशियल तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली गैर कानूनी है। तो अभी मुझे शक पड़ रहा है कि जो जो शाम हो रही है गुड़ियों में चढ़ने की तादाद भी ज़्यादा हो रही है, और अभी छापों का सिलसिला भी जनाब शुरू होने वाला है। जी व्यूअर्स ये देखें, ये मैंने भी गुड्डी लूट ली, ये काफ़ी बड़ा गुड्डा है ये अभी और भी चीज आ रही है गई ये जनाब आपके सामने अली साहब ने गुड्डी लूट ली है। तो अभी जो है वो हालात जो है वो माहौल है वो फुल तेज हो गया, हाथ से निकाल दिया, निकले हाथ से हद हो गई है यार। ये जनाब पकड़ लिए, एक पकड़ के जनाब उन्होंने हाथ से छोड़ दिया। ये जनाब सूरज जो है वो गरूब होने वाला है और बसंत का एंड हो रहा है, और गुड़िया जो है वो जनाब कट के बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत स्पीड में आ रही है। तो अभी आपके सामने ये अभी पकड़ा है हमने, और अभी एक पकड़ा था वो हाथ से निकल गया। अब ये था आज का व्लॉग, अभी चूँकि शाम हो रही है, अभी धूप बिल्कुल मुँह के ऊपर है, लेकिन यह कि सूरज अब डाउन हो रहा है, तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद शाम का वक्त हो जाएगा। तो मैं अभी फौरी तौर पर वीडियो एडिट करके इसको अपलोड करूँगा, शाम तक का वेट किया फिर वो टाइम निकल जाएगा, तो यही आइडियल टाइम है वीडियो अपलोड करने का। तो अभी मज़ीद अब बसंत जो है इस वक्त बिल्कुल पीक पे है, तो होपफुली आपने इंजॉय किया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और नए टॉपिक के साथ, कोई और अच्छी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में आते रहोगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।